पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत सी जोड़ियां ऐसी हैं जिनकी दोस्ती ड्रामा सेट पर हुई थी और बाद में दोस्ती का ये रिश्ता निकाह के खूबसूरत बंधन में तब्दील हो गया था। मगर दूसरी तरफ ग्लैमर की इस दुनिया में कुछ कंवारी एक्ट्रेसेस के शादीशुदा एक्टर्स के साथ अफेयर चलाने की अफवाहें भी मंजरे आम पर हैं कि एक्ट्रेस नाजिश जहांगीर की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर एक्टर मोहसिन अब्बास ने अपनी बीवी फातिमा सोहेल को डिवोर्स दी है। बड़ी हैरानगी होती है कि एक इंसान अपनी बीवी और नन्ही सी बेटी को किसी और लड़की के लिए क्यों छोड़ेगा, और अगर ये मान भी लें कि ये सच था तो तलाक के बाद काफी वक्त गुजर चुका है, मगर आज तक मोहसिन अब्बास और नाजिश जहांगीर ने शादी क्यों नहीं की और ना ही अब इन दोनों अदाकारों को एक साथ देखा भी जाता है। मतलब कभी भी कुछ भी किसी पर भी तोहमत लगा देना हमारे लिए बड़ा आसान सा काम है। रिसेंटली नाजिश जहांगीर को ड्रामा सीरियल बेरुखी में मर्जी किरदार निभाते देखा जा रहा है और अब नाजिश जहांगीर से हर हर मीडिया फोरम पर बस एक सवाल होता है कि आप शादी कब और किस से करेंगी और कब आपको दुल्हन के खूबसूरत गेटअप में देखा जाएगा। एक्ट्रेस नाजिश जहांगीर को फैंस की फरमाइश पर रिसेंटली दुल्हन के खूबसूरत गेटअप में देखा गया है। जी हाँ, इस्लामाबाद में हुआ ये खूबसूरत ब्राइडल फोटोशूट नाजिश जहांगीर ने जब चाहने वालों के साथ शेयर किया तो एक खूबसूरत शेर भी कैप्शन में लिखा था और वो शेर ये था, अक्स खुशबू हूँ बिखरने से ना रोके कोई और बिखर जाऊं तो मुझको ना समेटे कोई। नाजिश जहांगीर का शुमार पाकिस्तानी खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेसेस में होता है और दुल्हन के जोड़े में यूं जेवर पहने आंखें उठाकर कह दिया कि आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, जबकि दूसरे पोज में अपनी आंखें नीचे झुकाकर ये लिखा था कि आंखें नीची हुई तो हया बन गई। एक्ट्रेस नाजिश जहांगीर के इस ब्राइडल फोटोशूट के कुछ दिन बाद जन्नत मिर्जा को भी कुछ इसी तरह के दुल्हन के गेटअप में देखा गया था, जिस पर चाहने वालों ने नाजिश और जन्नत मिर्जा की दुल्हन की इस लुक को काफी हद तक रिजेम्बलेंस दी थी। एक्ट्रेस नाजिश जहांगीर को रिसेंटली किसी भी मेल एक्टर के साथ क्लोज बॉन्डिंग्स में नहीं देखा गया है, जबकि अदाकारा का मुकम्मल फोकस खुद को साइड रोल एक्ट्रेस से आगे ड्रामों की लीड रोल में देखना है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।